पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन पर देश भर में सुशासन दिवस मनाया गया। इस मौके पर ग्वालियर में पोलिंग बूथ का कार्यक्रम और गुड गवर्नेंस डे आयोजित किया गया, जिसमें उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संगठन के विस्तार और उसकी मजबूती के लिए उसे सशक्त बनाने की बात कही। सिंधिया ने इस मौके पर जो है 263 नंबर पोलिंग बूथ को गोद लिया और उसकी जिम्मेदारी ली। इस पोलिंग बूथ पर कुल 755 मतदाता है, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि अटल जी लोगों को अपनी विचारधारा से दिल में उनकी जगह बनाते थे। हमें गर्व होता है कि अटल जी के साथ भले ही सिंधिया परिवार का खून का रिश्ता नहीं था, बल्कि खून जैसा ही रिश्ता था। राजमाता जी के साथ मैं अटल जी से मिलने गया था, तब से उनका आशीर्वाद मिला है। साथ ही जो मार्ग अटल जी ने दिखाया है उसे पीएम नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। सूरज परछाई से हारा, आने वाला कल न भूला। मैंने कहा कि मेरे बूथ से शुरुआत हो रही है, क्योंकि मेरे बूथ पे हमारे पुरुष और मैं अल्पसंख्यक हूँ और मेरी महिलाएं बहुसंख्यक हैं। मैंने निवेदन भी किया है हमारे बूथ अध्यक्ष जी से और हमारे बूथ महामंत्री जी से कि ये अल्पसंख्या और बहुसंख्या हमारी बूथ कमेटी में भी दर्शानी चाहिए, और जब तक हम महिलाओं को प्रथम पंक्ति में नहीं लाएंगे, जब तक महिलाओं का योगदान